लीजिए दोस्तों, पेश है गर्मा गर्म लाल मांस की रेसिपी। देख के मुंह में आ रहा है ना पानी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से हम आसानी से घर पे ये लाल मांस बना सकते हैं। दोस्तों, लाल मांस बनाने के लिए सबसे पहले हमें लाल मिर्च को हल्के गुनगुने पानी में लगभग 30 मिनट के लिए भिगो के छोड़ देना है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने राजस्थानी मथानिया मिर्च लिया है, जो राजस्थान में लाल मांस बनाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोग की जाती है और ऑथेंटिक टेस्ट भी देती है। तो दोस्तों, 30 मिनट बाद हमारी जो मिर्च है वो अच्छे से पानी में सोख हो चुकी है और अब इसको कर लेते हैं हम ग्राइंड। ये लीजिए दोस्तों, हमने अपनी मिर्च को बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया, इसका एक पेस्ट तैयार हो चुका है। तो अब शुरू करते हैं अपने लाल मांस को पकाना। लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे घी, साथ ही साथ उसमें डालें लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता। इसको हल्का सा सौटे कर लें। ऐड करें स्लाइस्ड अनियंस और अब इसको अच्छे से ट्रांसलूसेंट होने तक भून लें। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो प्याज है वो अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। तो लिए दोस्तों, हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी सॉटे हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपने मटन को, यानी कि लाल मांस को। इसको अच्छे से लगभग 5 मिनट तक फ्राई करें। ऐड करें नमक, टर्मरिक, दोस्तों मटन को 5 से 6 मिनट भुनने के बाद इसमें ऐड करें मीट टेंडराइज़र। जी हाँ दोस्तों, मीट टेंडराइज़र हमारे मटन को अच्छे से पकने में हेल्प करेगा। अगर आप मीट टेंडराइज़र यूज़ नहीं करना चाहते तो आप हमेशा मटन को बंद बर्तन में बनाएं, जिससे मीट अच्छे से पक सके। 2 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मथानिया मिर्च के पेस्ट को। ये हमारे मटन को लाल रंग और एक ऑथेंटिक टेस्ट देगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करें ताकि हमारे मिर्च का जो कच्चापन है वो निकल जाए। ऐड करें थोड़ी सी दही, जो हमारे मीट को पकने में हेल्प करेगी और साथ ही साथ हमारे मिर्च के तीखेपन को भी कम करेगी। अब इसमें ऐड करें पानी और इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 20 मिनट तक ढक कर छोड़ दें पकने के लिए। ये देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया तरीके से हमारा लाल मांस तैयार हो रहा है। अब इसमें ऐड करें गरम मसाला,
धनिया पाउडर, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और वापस इसे ढककर छोड़ दें 10 मिनट तक बढ़िया से पक जाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त हमारा लाल मांस यहाँ पे पक चुका है, आ गया ना मुंह में पानी। दोस्तों मैं तो चला इसको खाने, आप भी बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका लाल मांस यानी कि सूखा लाल मांस किस तरीके का बना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।